रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। माँ, वो दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सचमुच, अब तो सारे घर को बस उसी दिन का इंतजार है। मैं तो उस दिन के बारे में सोच रही हूँ जब ये सारा घर उसकी किलकारियों से भर जाए। अब मैं तो उसकी दादी हूँ, तुम देख लेना, मैं उसे अपने हाथों से रोज मालिश करूंगी, उसे गुनगुने पानी से नहलाऊंगी। और जानती है, मैंने ना सोने के झुनझुने कड़े चेन सब छोटे छोटे से बनवा रखे हैं। क्या कह रही हैं आप अभी से? पता नहीं मैं आपका इतना सारा प्यार कैसे सहज पाऊंगी। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं, मुझे रोहन जैसा पति मिला है और आप जैसी सास मिली है। अरे हाँ, रोहन की फ्लाइट तो आज ही रात को है ना। बहुत बेचैन हो रहा होगा तुझसे मिलने के लिए, है ना। सुबह उसका फोन आया था, कह रहा था कि रात को सब साथ में खाना खाएंगे। चलो अच्छा है, तो फिर आज रात को सोचती हूँ उसके मन पसंद कुछ खाने बनवा दे। मूली के पराठे पसंद है ना उसे? और माँ, अरे माँ, ममता, 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 हे भगवान, क्या हो रहा है? शीतल वर्मा बोल रही हूँ। माँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना। कैसी बातें करती है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि तू अपने पति के घर जा रही है ना। देखो बेटी, लड़की के लिए पति का घर ही असली घर होता है। जाओ, खुशी से जाओ। देखो मोना, वो कहते ना कि जहाँ आँख खुले वहीं सवेरा होता है। मुकुल, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों पिछली बातें भूलकर सुखी जिंदगी गुजारोगे। क्या मोना, चले? इतनी जल्दी भी क्या है, जाते जाते हमसे भी तो मिलते जाओ। वैसे मुझे खुशी हुई है देखकर कि दूल्हे राजा ने मेरी ननंद की बात मान ली है। अब क्या करें, कभी कभी अपनी जमीन पर फसल उगाने के लिए पानी उधार भी लेना पड़ता है। जब अपना ही कुआं सूखा हो तो कोई क्या कर सकता है। इतनी कड़वी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस टाइम। चलो मोना, कुछ लोगों को बोलने की बीमारी होती है, चलो। ये क्या बदतमीजी थी, मुकुल से स्टोर में बात करने की क्या जरूरत थी तुम्हारी? मैंने तुम्हारी दुखती रख पर हाथ रख दिया तो इतना तेल में ला गए, मैंने झूठ क्या कहा? लेकिन हाँ, सच बोलने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है ना। आज के बाद हमारे घरेलू मामले में दखल देने की कोशिश मत करना, समझी तुम? दखल देने का मुझे पूरा अधिकार है क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और तुम्हारी पत्नी। पत्नी हो तो पति की बात माना करो और मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन तोड़ दूँ, समझी? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये मत भूलो कि मैं भी अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल सकती हूँ। सूरज, सात फेरे लेने से या एक घर में अजनबियों की तरह साथ रह लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता। और मुझे कभी अपने पैर की जूती समझने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मीरा, बहू पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ अपने कमरे में। देखो बीना, आग से आग कभी नहीं बुझती। पति पत्नी गृहस्थी के गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक दूसरे के बिना आगे नहीं चल सकते। सूरज जैसा भी हो, तुम्हारा पति है और अब तुम्हें सारी जिंदगी उसी के साथ बितानी है। अगर वो मेरी बात मान सकता है तो मेरी बहू होने के नाते तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। माँ, जब मैं आपसे कह के गया था कि ममता को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है तो आपने से बिस्तर पसंद क्यों उठने दिया? क्या जरूरत थी बेटा? क्या कहूँ मैं, मुझे लगा कि
थोड़ा चलना फिरना इसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, कैसे लगा आपको? हाँ, कैसे सोच लिया आपने? मैं ममता को अपनी अमानत की तरह आपको सौंप कर गया था, ये जिम्मेदारी निभाई आपने। देखिए मिस्टर रोहन, इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। द केस इज टोटली अंडर कंट्रोल। ममता को सिर्फ बेड रेस्ट की जरूरत है, और उस दिन मैंने आपको फोन पे बताया था कि इसे बिस्तर से मत उतरने दीजिएगा। आपने मुझसे कहा था, लेकिन फोन पे आपसे मेरी कहाँ बात हुई थी? मैंने तो आपके क्लिनिक पे फोन भी किया था। मैं ये जानना चाहती थी कि इसका दवा कंटिन्यू करना है या बंद कर देना है, लेकिन आप क्लिनिक में थी नहीं। कमाल करती हैं आप, मैंने खुद आपसे बात की है। मैंने आपसे बताया था कि ममता का शुगर लेवल लो है, उसका ब्लड प्रेशर लो है, और उसे कहीं भी चक्कर आ सकते हैं, कभी भी चक्कर आ सकते हैं, वो गिर सकती है, उसे बिस्तर से उठने नहीं देना है, और जिससे बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। क्या कह रही हैं आप? लेकिन आपने ये सब मुझसे कब कहा था फोन पे? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर कुछ कहती हैं, आप कुछ कहती हैं। रोहन, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो ठीक है, जाने दीजिए, मुझे कुछ समझने का शौक भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर ममता को कुछ हो गया तो मैं इस घर में किसी को माफ नहीं करूंगा। देखिए, आपस में उलझने से कोई फायदा नहीं है। मैं अब चलती हूँ, अगर कुछ बात हो तो फोन कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। रोहन, मेरा यकीन करो, मैं इन सब बातों से अनजान हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बहुत चाहता हूँ आपकी बात पर यकीन करना, बहुत ज्यादा चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं यकीन करूं या ना करूं इससे इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं नहीं आ जाता तो ना मालूम आपकी लापरवाही की वजह से ममता की क्या हालत होती। रोहन, तुम क्या बके जा रहे हो? क्या बके रहे हो तुम? अरे, तुम्हारे सामने डॉक्टर ने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा? रोहन, बस अब इसके आगे तुम माँ से कुछ नहीं कहोगे, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा मैं। क्यों, तुम तो अपने प्लास्टिक सर्जन को सब कुछ बताने वाली थी, क्या हुआ? हमारे सामने मुंह खोलने का अंजाम यही होता है। वो प्लास्टिक सर्जन कब आया कब गया इसे पता भी नहीं चला होगा। बहुत अफसोस हो रहा होगा तुम्हें, है ना, कि तुम्हारे दिल की बात दिल में ही रह गई। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात तो जाहिर है कि तुम लोग मुझे जान से नहीं मार सकते हो, वरना ये काम तुम लोग बहुत पहले कर चुके होते। शायद तब जब अलाइजा को मेरी जगह रखकर तुम कबीर की तरफ से अपनी आंखें मूंद चुके थे। दूसरी बात, अलाइजा मेरी हमशक्ल है लेकिन हकीकत नहीं है, और एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश जरूर होगा कबीर के सामने। अच्छा, तुम्हें इसे अभी तक भरोसा है कि कबीर के सामने एक ना एक दिन सच्चाई जरूर खुलेगी? याद रखो, जिस दिन ये सच खुला वो दिन कबीर के जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और ये भी समझ लो कि तुम हमारे बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गई हो, और इससे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ हम जानते हैं। एक ना एक दिन तुम लोग का पर्दाफाश जरूर होगा। जब इसका प्लास्टिक सर्जन इसे पहचान नहीं पाया तो दुनिया क्या पहचानेगी? हाँ, और जब उस प्लास्टिक सर्जन ने पद्मिनी और कबीर से पूछा कि अंबिका कैसी है, तो वो क्या जवाब देंगे? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम फिक्र मत करो, इसकी नौबत नहीं आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो अलीजा बीमार पड़ जाएगी। क्या बात है अंकल, आपको इतना परेशान और इतना अपसेट मैंने पहले कभी नहीं देखा। यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कबीर। क्या भाऊ साहब जोशी के जेल से भाग जाने और अंडरग्राउंड हो जाने की वजह से परेशान है आप? पद्मिनी, वो एक परेशानी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी एक और है। बड़ी माँ और भाऊ साहब जोशी का मिलाप, यही ना? नहीं, कुछ और। कुछ और मतलब? मतलब एक अखबार का टुकड़ा। अखबार का टुकड़ा? कैसा अखबार का टुकड़ा अंकल? शिवानी, ये अखबार का टुकड़ा जिस पर लिखा हुआ है कि मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? हाँ, इस पे ये लिखा हुआ तो है। मम्मी,
इस पर तो आपकी और कबीर अंकल की फोटोग्राफ है। पद्मिनी, इसी गुत्थी को हम सुलझाने में असफल हो रहे हैं, हमें कोई दिशा नहीं मिल रही। लेकिन अंकल, केस क्या है? केस बहुत ही उलझा हुआ है पद्मिनी। ये अखबार का टुकड़ा जिस पर मेरी और तुम्हारी मम्मी की तस्वीर है, किसी आदमी के ऊपर आकर गिरा, लेकिन यह अखबार का टुकड़ा उसके ऊपर किसने फेंका, यह मामला उलझा हुआ है। तो पता कैसे चलेगा कि ये उस पर किसने फेंका? एग्जैक्टली पद्मिनी, वही तो परेशानी है। अब डिपार्टमेंट इस ट्रैक पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन मिला नहीं। लेकिन जब तक ये केस उलझता नहीं, तब तक तो उस इंसान के ऊपर तो खतरा बना हुआ है ना। That's the main problem. अंकल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। बाय। ओके अंकल, सी यू। तुम क्या समझती हो? हमने ये जो शतरंज की बिसात बिछाई है, वो आंखें मूंद कर? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कब कौन सा मोरा कौन सी चाल चलने वाला है। तुम यहाँ अपना ये टूटा फूटा चेहरा लेकर दर्द से तड़प रही हो, और उधर अलीजा ने तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। जानती हो हमारा पहला शिकार कौन होगा? ममता और उसका होने वाला बच्चा। ये बेइंसाफी है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? एक मासूम जिसने अभी तक इस दुनिया में आंखें नहीं खोली, जिसने खुली हवा में सांस नहीं ली, उसे तुम लोग कैसे खत्म कर सकते हो? तुम्हें डायन हो, क्योंकि ये डायन ही दूसरी औरतों के कोख उजाड़ती है। नहीं, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं राजकुमारी साहिबा। और किसी दूसरे को गाली देने के पहले खुद अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। आप भी तो कोई दूध की धुली हुई है नहीं। आपका बच चले तो अभी आप हम दोनों को यहां जिंदा दफन कर दें। इस दुनिया से उठा देती। फिलहाल हम तुम्हारे खानदान का बोझ हल्का कर रहे हैं। भाऊ साहब, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये अंबिका मेरे सामने तड़प रही है, और वहां उसका खानदान धीरे 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 दम तोड़ रहा है। क्या देख रही हो शिवानी? कबीर, एक बात बताओ। कौन सी बात? जिस आदमी ने तुम्हें यह अखबार का टुकड़ा लाकर दिया, उसने तुम्हें बताया कि यह अखबार का टुकड़ा उसे कहां से मिला है, तो तुम उस जगह पर गए थे? हाँ, बिल्कुल गए थे। कौन सी जगह थी वो? वो एक मकान का बाहरी हिस्सा था शिवानी। तो कुछ अंदाजा लगाया तुमने कि वो अखबार का टुकड़ा कहां से गिरा था? इसमें अंदाजा क्या लगाना, साफ लग रहा था जैसे उस मकान के ऊपर वाली खिड़की से वो कागज का टुकड़ा फेंका गया था। तो तुमने ऊपर जाकर देखा? हाँ, बिल्कुल देखा। कुछ दिखा तुम्हें वहां? हाँ, खून के कुछ छींटे पड़े हुए थे इधर उधर। शिवानी, मैं चलता हूं। हाँ, फाइल दे दो मुझे। बाय बाय। हेलो जोशी साहब, मैं अलाइजा बोल रही हूँ। हाँ अलाइजा बोल रही हूँ। जोशी साहब,
कबीर दत्त जो हमारे पहले वाले अड्डे पर पहुंचा था उसका राज अब खुल चुका है। हाँ, लेकिन वो वहां पहुंचा कैसे? अंबिका ने किसी अखबार के टुकड़े पर यह लिखकर कि मेरी जान को खतरा है उस खिड़की से बाहर फेंका था, और वो अखबार का टुकड़ा किसी आदमी के सर पर गिरा और वो आदमी वो अखबार का टुकड़ा लेकर सीधे पुलिस स्टेशन गया था। फिर क्या था? कबीर दत्त CBI ऑफिसर है, वो उस आदमी के साथ सीधे उस जगह पर पहुंचा था जहां उसके सर पर वो अखबार का टुकड़ा गिरा था। अच्छा, तो इस तरह पहुंचे कबीर साहब वहां। हाँ, लेकिन गुड लक हमारा कि हम अंबिका को वहां से हटा चुके थे। और हमारी किस्मत अच्छी, वरना हम मारे जाते। और अब कबीर ये समझ भी नहीं सकता कि जिस अखबार के टुकड़े पर कबीर और अंबिका का चेहरा छपा है उस पर जो लिखा है कि मेरी जान को खतरा है वो अंबिका ने लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर। हाँ, जब अंबिका घर में है तो कबीर ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ठीक, लेकिन वो इस बात को सोचकर बहुत परेशान है कि अखबार के टुकड़े पर ये किसने लिखा है कि मेरी जान को खतरा है। रहने दो, परेशान रहने दो उसे अलीजा, अब हमें सारी बात समझ में आ गई। ठीक है ममता, माँ की गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो उन्हें माफ कर देना। इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। मैंने खुद उनसे कहा था कि वो मुझे टहलाने के लिए बाहर ले जाए। अच्छा ठीक है, तुमने कहा था, मगर माँ तो बड़ी है, उन्हें तो समझ है। अरे डॉक्टर से टेलीफोन पे बात हुई थी भाई, उसने कहा था कि तुम्हारा चलना फिरना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी क्यों तुम ये बात क्यों नहीं मान रहे हो? जब माँ कह रही है कि उनकी डॉक्टर से कोई बात नहीं हुई तो फिर? एक तो मुझे ममता ये समझ में नहीं आता कि इस घर में कौन कब सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। सिर्फ एक बात मालूम है मुझे, जरा सी अगर गलती हो जाती ना तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती। रोहन, आइंदा मैं खुद अपना ख्याल रखूंगी और डॉक्टर से भी खुद फोन पर बात कर लूंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। ये फोन की उलझन मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही है, कुछ याद आ रहा है मुझे। क्या याद आ रहा तुम्हें? रोहन, जिस दिन तुम नागपुर गए थे और उसके बाद तुमने वहां से फोन करके एक फाइल मंगाई थी। हाँ, मंगवाई थी। तुमने कहा था कि माँ से कहना वो कुरियर करे। उसी दिन यहाँ अंबिका आंटी आई थी। फिर उसके बाद माँ फाइल कुरियर करने के लिए गई। ठीक। और एक फोन आया था जो अंबिका आंटी ने अटेंड किया था। तो वो फोन जो अंबिका आंटी ने अटेंड किया वो किसका फोन था? वो किसका था ये मुझे नहीं पता, और क्या बात हुई ये भी नहीं समझ में आई। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा तब उन्होंने मुझसे कहा कि कबीर अंकिल का फोन है। मुझे ऐसा लगा नहीं।